नमस्कार, मैं माही और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल P24 न्यूज एक्सप्रेस। आइए करते हैं शुरुआत आज की खास खबरों के साथ। हर सच्चे मुसलमान को ईद का दिल से इंतजार रहता है, खासकर रमजान के बाद आने वाली ईद उल फितर का तो थोड़ा ज्यादा ही, क्योंकि एक महीने तक रोजा रखने के बाद अल्लाह का शुक्राना करना भी तो जरूरी होता है। रमजान के महीने में माना जाता है कि कुरान लिखी गई थी, इसलिए पूरे महीने मुसलमान कुरान में डूब जाते हैं। ऐसे में आपको बताते हैं कि ईद क्यों मनाई जाती है। ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहते हैं। हिजरी कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने यानी कि शव्वाल के पहले दिन इस त्यौहार को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस्लामी कैलेंडर में ये महीना चांद देखने के साथ शुरू होता है, जब तक चांद नहीं दिखे तब तक रमजान का पाक महीना ख़त्म नहीं होता है। इस तरह रमजान के आखिरी दिन चांद दिखने के बाद अगले दिन ईद मनाई जाती है। अभी कई लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि आखिर ईद क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे एक कहानी क्या है, ईद क्यों मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद ने बद्र की लड़ाई में जीत हासिल की थी। इस जीत की खुशी में सभी का मुंह मीठा करवाया गया था। इस दिन को मीठी ईद या ईद उल फितर के रूप में मनाया जाता है। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार हिजरी संवत 2 यानी 624 ईस्वी में पहली बार ईद उल फितर मनाया गया था। आज हम संबलपुर बड़ा बाजार के मदीना मस्जिद में रहे ऐसे ही एक मुस्लिम समुदाय के परिवार के घर में गए और उनसे ईद के विषय में कुछ जानकारी हासिल की। तो आइए जानते हैं उनका इस साल के ईद को लेकर क्या कहना है। P24 न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद असगर बख्श है जी। आज जो मैंने ईद का पर्व, आप पहले, सबसे पहले तो आपकी, आपको ईद की शुभकामनाएं। थैंक यू आपको। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी का समय चल रहा है, इसे लेकर आपका ईद का पर्व इस साल आप कैसे मनाएं? ईद के साथ हमको तो प्रशासन को लेकर चलना पड़ेगा जी, इसीलिए अगले साल भी ऐसे ईद मनाए नॉर्मल, जो भी नॉर्मल मनाए जी। और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला करेगा अगले साल बहुत बढ़िया से ईद मनाएंगे। कोरोना कोविड खत्म हो जाएगा जी, कोविड के लिए हमको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बस चल रहा है। तो ये पूरा, जैसे पूरा आपका जो महीना है, हम जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा एक महीना आप लोग उपास रखते हैं, तो इस साल कोरोना के लिए आप लोग को मैंने कई तकलीफों का सामना करना पड़ा होगा। करना पड़ेगा, महामारी लगा हुआ है तो पूरा दुनिया में लगा हुआ है जी, बस सबको देख के हमको भी सबको लेके चलना पड़ेगा। तो इस ईद में आप लोग मैंने ऐसा कुछ क्या 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 करते, थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे। ईद में सबसे पहली बात तो एक महीना रोजा रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, ईद आता है जी, ये एक मीठा है ईद जी, मीठा से शुरू करते हैं ईद जी। और ईद हम लोग का सबसे बड़ा त्यौहार है जी, बस हम लोग चाहते हैं बहुत खुशी से मनाएं जी, लेकिन अफसोस माहौल इतना खराब हो गया है जी, कि हमको घर पे ही मनाना पड़ रहा है जी, मेंटेन करना पड़ रहा है सब, घर पे बच्चे हैं, बाहर जाने से प्रॉब्लम हो रही है जी, इसलिए घर पे ही ईद मना रहे हैं फैमिली के साथ जी जी। मैंने तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे? बस ये संदेश देते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और प्रशासन को लेके चलें, और सब शुभकामना मेरा है कि जल्द से जल्द कोविड ठीक हो जाए और माहौल पहले के जैसे फिर हो जाए जी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका P24 न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। शुक्रिया। आपको ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अनवर बख्श जी। आज जो अपना ईद का पर्व है, आज आप ये संबलपुर में ईद कैसे मनाए, इस विषय में थोड़ा बताएंगे हमें? ईद तो मनाए जी, जैसे हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से जो हमको मिला है जो चीज, वो आज उसी को अपना है मिला। लेकिन कोरोना के चलते जो हम लोग जो परेशानी उठाना पड़ा थोड़ा बहुत, उसमें से तो कमी आ गया। वैसे वो कमी की वजह से थोड़ा सा जो पहले जो होता था वो अभी हो नहीं पाया। जैसे कि जैसे कि पहले क्या होता था? पहले बहुत खुशी से मना रहे थे जी वो चीज, और अभी जो हो रहा है उसको डिस्टेंस कर के हम लोग कारोबार कर रहे हैं, यानी कि हर आदमी साथ में मिलना जुलना ये सब ना वो हिसाब से कर रहे हैं, जैसे प्रशासन के हिसाब से। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे? पहनो और आपस में दूरी रखो, और प्रशासन के साथ में जो जैसा उनका प्रशासन का ये है
उस हिसाब से कारोबार करना चाहिए। हमारे प्रशासन की गाइडलाइन को मानकर ही चलो, वो गाइडलाइन से हम लोग अभी हिसाब से चल रहे हैं। चलिए, कैसे मनाए इस साल, क्या करेंगे कोरोना के लिए, ईद नहीं मना सक रहे हैं, सब घर में हैं, और अगले साल भी नहीं मनाए, इंशाल्लाह अगले साल अच्छा से अच्छा मनाएंगे, कोरोना खत्म हो जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप आज ईद के मौके पे क्या अपना कुछ गाना गाएंगी, मैंने सुना था, कुछ संदेश देना चाहेंगी, चलिए दीजिए। प्यारे मम्मी प्यारे पापा, ईद मुबारक, शप्पू 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 ईद मुबारक, प्यारे मुसलमानों को मैं ईद मुबारक, शप्पू 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 ईद मुबारक। चलिए बहुत अच्छा, देखिए ये नन्ही से बच्ची कितना अच्छा संदेश सभी को दी है, आप भी माने इनको देख के अपने बच्चों को इसी तरह से शिक्षा दीजिए। फजल इकबाल। अच्छा, ईद के मौके पे आप क्या दिखाना चाहते हैं, दिखाओ। एक नात में पढ़ूं। पढ़ो। मत पूछो बरेली में अबन सौ साल में क्या क्या देखा है, मत पूछो बरेली बने सौ साल में क्या क्या देखा है, मत पूछो बरेली में बने सौ साल में क्या क्या देखा है। एक दिन में बरेली शरीफ में बारिश हुआ था, उसके लिए सुना मतलब कह दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।